जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम नोबेल प्राइज के विनर्स की। 2020 में जिन जिनको नोबेल प्राइज मिला है अभी तक 5 फील्ड में दिया जा चुका है और एक फील्ड रहती है दोस्तों, वो है इकोनॉमिक्स। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। मेन जो 5 है वो आपको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, नोबेल प्राइज जो है उसकी शुरुआत कब से हुई है, कौन थे। तो नोबेल प्राइज जो है एक पर्सन के नाम से दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने 1867 में 1867 में डायनामाइट की खोज करी। तो अब उनको जो है शांति के क्षेत्र में क्यों माना जाता है कि भाई जैसे नोबेल प्राइज है, इसका जो पीस वाला हिस्सा है ना दोस्तों, शांति वाला, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो जिसने डायनामाइट की खोज करी है दोस्तों, वो शांति के क्षेत्र में उसके नाम से पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, इसके पीछे की वजह है दोस्तों। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, शुरुआत में इन्होंने डायनामाइट की खोज तो कर दी, पर उनका मकसद जो है दोस्तों वो शांति स्थापित करना था। जिंदगी के लास्ट के दिनों में इनके पास जितनी संपत्ति आई ना दोस्तों, इन्होंने सोशल वर्क में बहुत सारे पैसे, जैसे अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, बहुत सारे इन्होंने सोशल वर्क किया। और जब इनकी मृत्यु हो गई ना दोस्तों, 1896 में 10 दिसंबर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी दिन से जो है दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कहाँ पे? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों कहाँ दिए जाते हैं, तो याद रखना 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं पीस को छोड़ के, वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और जो पीस वाला दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है दोस्तों, कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 की। इसमें से एग्जाम में तो आप बहुत सारे एग्जाम आने वाले, आपको पता है रेलवे का एनटीपीस में ग्रुप भी है, हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उनमें आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। तो चलो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको याद करना है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, शुरू में ना दोस्तों 4 फील्ड में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जो लिटरेचर है ये 1907 में जोड़ा गया, मतलब लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1907 से दिए जाने लगे। और जो इकोनॉमिक्स है 1967 से दिए जाने स्टार्ट हुए थे। मतलब नोबेल पुरस्कार जो पहले 4 फील्ड में थे, लिटरेचर कब से देना स्टार्ट किया गया 1907 में, और इकोनॉमिक्स 1967 में। ठीक है, तो इस बार जो है नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों 2 बंदों को मिला है, जीओम एडिटिंग के लिए। जीओम जो है ना, हमारे पता आपको जीन होते हैं ये सब, उसमें अब बायोलॉजी में देखते हैं, तो जीओम एडिटिंग के लिए जो है ना 2 पर्सन को मिला है नोबेल पुरस्कार, इसमें केमिस्ट्री में। तो हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, देखो केमिस्ट्री, मिस्त्री शब्द आता है ना मिस्त्री, तो एक मिस्त्री है, जैसे किसी घर में काम चल रहा है तो कारपेंटर की जरूरत है, मान लो किसकी जरूरत है? कारपेंटर को। तो मालिक ने जो है किसको कह दिया? मिस्त्री को, कहा कि कारपेंटर ढूंढ लो। ठीक है, तो मिस्त्री जो है मिस्त्री से क्या बन गया दोस्तों? केमिस्ट्री। देखो ये लिखा हुआ ना कारपेंटियर, तो इससे कारपेंटर से क्या बन गया? कारपेंटियर। ये पहले पर्सन का नाम है, आपको तो एग्जाम में याद करने है ना सिर्फ, आपको वहां पे थ्योरी थोड़ा ना पूछने वाले हैं, आपको किस तरह थोड़ा सा अंदाजा मिलना चाहिए। तो पहला पर्सन कौन है दोस्तों? एमोनली कारपेंटियर। इनको और ढूंढना मैंने बोला कारपेंटर को बोलना था ढूंढने के लिए, तो ढूंढना देखो डूडना, जेनिफर ए डूडना जो है, ये 2 पर्सन आपको याद हो गए केमिस्ट्री। मिस्त्री जो है उसको क्या बोला गया है? कारपेंटर ढूंढना। हो गया यार केमिस्ट्री में। इसके बाद फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिक्स के क्षेत्र में मतलब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 पर्सन को दिया गया है, आधा हिस्सा इनको दिया गया है और आधा हिस्सा इन दोनों को दिया गया है, आधा हिस्सा इनको और आधा हिस्से में इन दोनों को। होता ही है दोस्तों, जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है ना उसको $11,00,000 और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, तो आधी राशि इनको मिलेगी और आधी राशि इन दोनों को मिला के दी जाएगी। तो इस बार जो है नोबेल पुरस्कार जो है फिजिक्स के क्षेत्र में किस खोज के लिए गया? तो इन्होंने जो है दोस्तों इन्होंने बताया है, जो गैलेक्सी है ना दोस्तों, गैलेक्सी में जो आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। उसमें पार्टिकल्स के बारे में बताया कि भाई वहां पे बहुत सारे सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट पार्टिकल पाए जाते हैं हमारी आकाशगंगा में, याद रखना इन्होंने। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो गुलाब मतलब रोज गंगा जल में डाल जरा, ऐसा होता ना, रोज जो है, रोज को जो है ना आपको क्या करना है? गंगा जल में डालना है, रोज गंगा जल
के अंदर, अंदर मतलब अंदर गिरा, ऐसे याद कर सकते हो, रोज गंगा जल के अंदर गिरा, ऐसे याद कर लो। तो रोज से क्या बन गया दोस्तों, पेनरोज, रोजर पेनरोज, गंगा जल से गंजल बन गया दोस्तों, रैन हार्ड गंजल, और अंदर से बन गया एंट्री, और गिरा से बन गया आपका गेज। पूछेंगे आप गंगा जल जो रोज है वो रोज गंगा जल के अंदर गिरा, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब लिटरेचर जो है, जो अगला हम लेते हैं लिटरेचर, साहित्य बोलते हैं हिंदी में, तो साहित्य जो है दोस्तों 2019 में इसमें नहीं दिया गया था, पिछली बार लिटरेचर में नहीं दिया गया था नोबेल पुरस्कार, इस बार किसको दिया गया है दोस्तों, लुईस ग्लुक को, लुईस ग्लुक को दिया गया है। तो इन्होंने दोस्तों 2006 में ना अवक अवक्स करके एक किताब लिखी थी, इस बार इनको 2020 में अवार्ड दिया गया इनकी आवाज के लिए, इनकी आवाज के लिए, उसमें जो साहित्य में इन्होंने जो बुक लिखी है, इनकी आवाज बेमिसाल आवाज जो है उसमें काफी लोगों को मोटिवेट करती है, तो इसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो लिटरेचर कैसे याद करेंगे भाई, जो साहित्य लिखता है बंदा वो बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, उसको किताब से क्या होता है, चिपकता रहना पड़ता है, उसको किताब से क्या होना पड़ता है, चिपकना पड़ता है, ठीक है। तो चिपकने को क्या बोलते हैं, ग्लू, इससे याद रखेंगे ग्लू, लिटरेचर मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, किताब से चिपकना पड़ेगा, तो ग्लू हो सकता है, ग्लू का मतलब होता है चिपकना, लुईस ग्लुक, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में जो है दोस्तों इस बार हेपेटाइटिस जो है ना उसके टीकाकरण के लिए, उसके इलाज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई उसमें। तो 3 पर्सन है, आप सीधा इनका नाम याद कर लीजिए, नाम कैसे याद कर लीजिए, हार्वे माइकल और चार्ल्स, माइकल ये देखो, हार्वे माइकल और चार्ल्स, ये तीन दोस्त को नाम याद करें, कोई तीन दोस्त है जिनका नाम क्या है, हार्वे माइकल और चार्ल्स, हार्वे माइकल और चार्ल्स, ये तीन नाम याद कर लीजिए, हार्वे अल्टर, माइकल उंगटन, चार्ल्स राइस, ये 3 पर्सन है। पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दोस्तों इस बार दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, दुनिया भर में जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, तो इसलिए 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। दुनिया में शांति कैसे याद कर सकते हो आप, दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो सकती है दोस्तों, जब लोगों का पेट भरा होगा दुनिया में गरीबी खत्म हो जाएगी, तो गरीबी कैसे खत्म होगी, खाने से, खाना खा लेंगे गरीबी दूर हो जाएगी और दुनिया में शांति आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने 5 आपको अवार्ड बता दिए हैं।